वेलकम टू माय क्लास। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि नेचुरल नंबर और होल नंबर से रिलेटेड। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसे पिछले वीडियो में मैंने अर्थमेटिक से जुड़ी हुई कुछ क्लासेस दी है, आप चाहे तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है कि डेफिनेशन याद करना, देखिए एक अलग चीज़ होती है। आपको डेफिनेशन एक पार्टिकुलर क्लास तक ही पूछेगा, लेकिन अगर आप हाई लेवल क्लास में हैं, नाइन्थ टेंथ या कंपटीशन लेवल का तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको डेफिनेशन से जुड़ी हुई कुछ फैक्ट पूछेगा जो आपका विवेक यानी कि बुद्धि का परख वहाँ पे आपको दिखलानी पड़ेगी, आपका विवेक क्या कहता है। ठीक है, ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज नेचुरल नंबर, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए ओके। तो चलिए देखते हैं। तो कितने सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो बोलते हैं एक से शुरू होती है नेचुरल नंबर। ठीक है, एक से शुरू होती है। चलिए आप खुद बताइए, एक से अगर शुरू होगा इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो एक से अगर शुरू होगा इन्फिनाइट तक जाएगा तो ये कुछ बात बन नहीं रहा, आधा अधूरा सच हुआ। क्योंकि अगर एक से स्टार्ट होगा, एक से अगर मान लीजिए आपको स्टार्ट हुआ, ओके, तो अगर मान लीजिए आपको एक से स्टार्ट हुआ, तो एक से अगर स्टार्ट हुआ तो मान लो कि अगर मान लीजिए एक हुआ, ठीक है, फिर वहाँ पर मान लीजिए ऐसे करके दो हुआ, तो एक और दो के बीच में तो बहुत सारा नंबर आ गया। देखिए ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, मतलब इन्फिनाइट नंबर आ गया, यहाँ बहुत सारा नंबर आया। तो एक से स्टार्ट होगा, इन्फिनाइट नंबर आएगा तो जरूरी है एक दो तीन ही होगा। ये डेफिनेशन से क्लियर कहाँ हो रहा है? ये खाली बोल दिया कि एक से स्टार्ट हुआ, एक से स्टार्ट हुआ तो मेरा मर्जी, हम एक दशमलव देख लेंगे। एक से स्टार्ट हुआ तो मेरा मर्जी, हम एक दशमलव देख लेंगे, एक दशमलव दो लेंगे, एक दशमलव तीन लेंगे। तो एक से स्टार्ट होके इन्फिनाइट तक जाती है, यानी कि एक से स्टार्ट होके इन्फिनाइट तक जाती है। तो ये चलिए चले बुलाए ठीक है, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन फिट नहीं बैठ रहा है। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स, यानी कि गिनती की संख्या जो होता है ना, गिनती की संख्या जो होती है ना, गिनती की संख्या जिसे आप बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, इसको बोलेंगे एक तरीका से नेचुरल नंबर। ठीक है, कैसे? अगर आप काउंटिंग करते हो तो कैसे करते हो काउंटिंग? वन करते हो, ठीक है, काउंटिंग कैसे करते हो? वन करते हो, टू करते हो, थ्री करते हो। अब कोई बंदा आके बोल देगा कि बीच में एक दशमलव ले लेगा, नहीं वो नहीं ले सकता कि काउंटिंग आप कैसे करते हो। किसी को बोलते हो कि कितना आदमी था, तो बोलते हो चार बटा पाँच आदमी था, ऐसे करके बोलते हो चार बटा पाँच आदमी था, नहीं बोलते हो, या माइनस पाँच आदमी था, नहीं बोलते हो। ठीक है, आप क्या करते हो ना, ये बट्टा में किसी कोई भी चीज़ को अगर आपको शो करना है, चाहे कोई सामान हो, कोई भी चीज़ हो, व्हाटएवर, तो अभी तो नहीं बोलते हो कि कितना आम था, तो आप बोलिएगा चार बट्टा पाँच आदमी, नहीं आप बोलते हो एक दो तीन, ऐसे गिनती में बोलते हो कितने आदमी थे, आप तो नहीं बोलते हो माइनस पाँच आदमी थे, नहीं समझे बात, फिर इतने बोलते हो जीरो। तो ये सब जो होते हैं ना, ये सब नेचुरल नंबर नहीं होते, मतलब सीधी सी बात है, काउंटिंग नंबर्स होगा नेचुरल नंबर। क्या होगा? काउंटिंग नंबर्स होगा नेचुरल नंबर, ठीक है ना, ओके। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी कि आप गिनती जो करते हो, आप गिनती फ्रैक्शन में नहीं करते हो, ठीक है, माइनस में नहीं करते हो, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं करते हो, माइनस में नहीं करते हो, आप जीरो से स्टार्ट नहीं करते हो गिनती, आप जीरो से स्टार्ट नहीं करते हो। तो ये सब कुछ बातें हैं, ठीक है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ फैक्ट आपको पता रहना चाहिए। सबसे जो बड़ी होती है नेचुरल नंबर, सबसे बड़ी नेचुरल नंबर होती है ना, वो इन्फिनाइट होती है, अभी तक पता ही नहीं है, यानी कि अनंत होती है, अनंत तक जाएगा। ठीक है, आप खुद सोचिए गिनती आप कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, गिनती आप कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। एक से तो आपको ये पता है कि एक से स्टार्ट होगा, लेकिन आप कहाँ तक जाइएगा? सौ तक रुकिएगा नहीं ना, ये तो अथाह होगा ये, ठीक है, अथाह तक जाएगा, अथाह, ठीक है, यानी कि इन्फिनाइट तक जाएगा पास में ना, यानी कि सबसे छोटी जो होगा। देखिए ये सब आपको पूछेगा, ये जो होता है, ये जो आपका फैक्ट हुआ, ये सब आपको इम्पोर्टेंट है, चाहे आप नाइन्थ क्लास में जाओ, जो भी क्लास में, ये इम्पोर्टेंट हुआ। क्या इम्पोर्टेंट हुआ? फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि सबसे छोटी जो नेचुरल नंबर होती है, सबसे छोटी नेचुरल नंबर होती है वन होती है, ठीक है। आप गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हो? वन से नहीं स्टार्ट करते हो, जीरो से थोड़ी स्टार्ट करते हो। नहीं तो कहीं पर पाँच आदमी जाएगा, मान लीजिए कोई भी ओकेजन में या कहीं पर पाँच आदमी जाएगा, ठीक है, तो जीरो से अगर स्टार्ट करेगा तो दुकानदार को तो एक का तो लॉस लग जाएगा ना, नहीं समझे बात। दावते में अगर देगा पचास आदमी को खिलाएगा, जीरो से स्टार्ट करेगा तो एक आदमी तो फ्री में आ गया, गिनेगा वो पचास आदमी, तो ये डिस्गस्टिंग वाला बात हो गया। तो ऐसा नहीं होता, यानी कि मोटा मोटी गिनती से स्टार्ट होगा, उतना रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ओके। चलिए अब बात करते हैं इससे जुड़ी हुई, तो सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या हो गया? सबसे छोटी नेचुरल नंबर एक हो गया, और बड़ी कौन सा हुआ? नहीं पता, यानी कि इन्फिनाइट हो गया। बात समझ पा रही यहाँ तक? ओके, अब बात करते हैं होल नंबर का। तो 50 तरह का डिफिनेशन होता है होल नंबर का। सिंपल में आप इतना याद रखिए कि काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, सिंपल में आप याद रखिए काउंटिंग नंबर्स, यानी कि नेचुरल नंबर, सिंपल में आप याद रखिए नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर्स आप लगा दीजिए, अब प्लस जीरो, इसकोल्ड क्या हो गया? इसकोल्ड क्या हो गया? होल नंबर्स,
होल नंबर, सिंपल बात, पूर्ण संख्या, होल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर को जो हम डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को जो डिनोट करते हैं, एंड से डिनोट करते हैं, ठीक है। और होल नंबर को, नेचुरल नंबर को एंड से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को जो हम डिनोट करते हैं वो एंड से डिनोट करते हैं, ओके। और होल नंबर को जो हम डिनोट करते हैं, होल नंबर को W से डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं। डिनोट मतलब एक तरीका से सिंबल हुआ, जैसे कि आप कहीं पर प्लस लिखते हैं तो समझ आते ना जोड़ है, घटाव है तो समझ आते ना घटाव है, गुना है तो समझ आते ना गुना है, भाग है तो समझ आते ना भाग है। उसी तरीका से आपको कहीं पर अब मिलेगा W मिलेगा, तो आप समझ जाइएगा कि एक तरीका से ये होल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। चलिए इतक बात आप समझ में आ गई है। अब देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत, अब इससे जुड़ी हुई कुछ फैक्ट है वो आपको जानना जरूरी, वो इम्पोर्टेंट है, अगली स्लाइड में आपको वो सब दिखेगी। तो जैसे देखिए, ये देखिए फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, ये जो आपका देख रहे हैं ये फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, आप नोट कर लीजिएगा। ये फर्स्ट पॉइंट आपका क्या हुआ, मान लीजिए एक सेकेंड, ये आपका फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, मैंने आपको बताई डिनोटेड बाय एन, ये भी हम आपको बता दिए। लेकिन अब इम्पोर्टेंट चीज़ है, नेचुरल नंबर तो सब जानते हैं नेचुरल नंबर, लेकिन नेचुरल नंबर को जो बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के बारे में मैं भी आपको बताऊंगा कि क्या होता है, अभी आप इतना याद रखिए, पॉजिटिव इंटीजर्स बोला जाता है, काउंटिंग नंबर्स बोला जाता है, और कार्डिनल नंबर बोला जाता है, कार्डिनल नंबर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कार्डिनल नंबर। अब इसको याद कैसे रखें, कार्डिनल नंबर, अब देखिए कार्डिनल है ना, तो कार्डिनल कहाँ से स्टार्ट होता है, सी से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सी से काउंटिंग भी होता है, सी से कार्डिनल नंबर भी होता है, उसको कार्डिनेलिटी भी बोलते हैं, उसको कार्डिनल नंबर को कार्डिनेटली भी बोलते हैं, ठीक है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये वाला चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये सीटेट के एग्जाम में पूछा, आई थिंक 2011 के आसपास ही पूछा था, द हिंदू अरेबिक नंबर्स किसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो आपको चार को ऑप्शन मान लीजिए दिएगा, आपको नेचुरल नंबर में टिक लगानी। ये इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ कि द हिंदू अरेबिक नंबर्स किसको बोलते हैं, आप देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ। ये तो आपको नहीं पूछा ना कि नेचुरल नंबर क्या होती है, तो आप बोल दीजिएगा गिनती की संख्या नेचुरल नंबर होती है, ये बोल दीजिए, नहीं आपको पूछा द हिंदू अरेबिक नंबर्स क्या होती है, तो ये पूछा आपको कंपटीशन के एग्जाम में, तो यानी कि कुछ तो अब हुआ ना, यहाँ पे आपका विवेक दिखाना पड़ेगा। तो हिंदू अरेबिक नंबर्स यानी कि नेचुरल नंबर, ये पूछा था सीटेट के एग्जाम में, ठीक है, आप सीटेट के एग्जाम में पूछा था, ओके, एग्जाम कंपटीशन में। अब आगे क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, सही बात है, जितने भी नेचुरल, देखो सही बात इसलिए है क्योंकि एक से स्टार्ट होगा ना, एक से स्टार्ट हो गया, लेकिन होल नंबर तो जीरो से स्टार्ट हुआ, तो जीरो एक दो कहाँ से ज्वाइनिंग कर रहा है। देखिए ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं होल नंबर्स होते हैं, ऑल नंबर्स आर होल नंबर्स, लेकिन जो भी होल नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर नहीं होता है, जीरो होता है नेचुरल नंबर नहीं होता है, इस तरीका से। ये तो मैंने आपको बता दिए, नेगेटिव नंबर्स फ्रैक्शन डेसिमल आर नेदर नेचुरल नंबर नॉर होल नंबर, ओके। तो चलिए आप इसको एक तरीका से उतार लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्या है, द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, डिनोटेड बाय एंड से किया जाता है, ऑल्सो कॉल्ड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स, काउंटिंग नंबर्स कार्डिनल नंबर्स, उसी को बोलते कार्डिनेलिटी बोलते हैं, द हिंदू अरेबिक नंबर्स हो गया, ये पूछा था कंपटीशन में द हिंदू अरेबिक नंबर्स, ठीक है, सीटेट के एग्जाम में 2011 के आसपास। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नॉट नेचुरल नंबर्स। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे, देखिए होल नंबर कहाँ से होता है, होल नंबर कहाँ से होता है, जीरो होता है, एक होता है, दो होता है, तीन होता है, इसे करके ETC, ठीक है, सबसे छोटी होल नंबर्स जीरो, सबसे बड़ी इन्फिनाइट, ओके। नेचुरल नंबर देखिए, नेचुरल नंबर एक होता है, दो होता है, तीन होता है, ऐसे करके जाता। अब बताइए कि जितने भी होल नंबर होते हैं नेचुरल नंबर थोड़ी हो गया, जीरो तो इसमें, देखिए इसमें तो जीरो है लेकिन इसमें नहीं है, नहीं लेकिन इसका रिवर्स होगा, जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होगा, क्यों, क्योंकि एक दो तीन इसमें भी आता है, एक दो तीन इसमें आता है, तो केवल जीरो और एक का अंतर है, तो इसलिए ये चीज़ आपका इंपॉर्टेंट हो गया, कहाँ गया, ये पॉइंट जो हुआ ना, सबसे आपका जो थर्ड पॉइंट हुआ ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला इम्पोर्टेंट है आपका थर्ड पॉइंट जो हुआ, ये एक तरीका से क्या हो गया, थर्ड पॉइंट जो हुआ आपका ये इम्पोर्टेंट हुआ कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। तो मोटा मोटी आपको जो ये आपको दिख रहा है जो फाइव पॉइंट्स है ना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप नाइन्थ क्लास में या कंपटीशन करो ये इंपॉर्टेंट है, उसमें भी आप कंपटीशन लेवल के हो तो ये आपके लिए रामबाण होगा, द हिंदू अरेबिक नंबर्स बोला जाता है नेचुरल नंबर्स को, ठीक है।
तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आपको कोई भी अगर दिक्कत होगा, कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स होगी इससे जुड़ी हुई, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं फेसबुक का भी लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी नॉलेजफुल पोस्ट मैं अपलोड करता हूँ, आप चाहे तो उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और मैं आपको जो भी चीज़ मैंने आपको अभी पढ़ाई है उससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। ओके, तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय।